उसकी मेमोरीज थोड़ी धुंधली है, लेकिन हो सकता है कि जो पहली किताब भी लॉन्च की धुंधली होती, लेकिन कार्तिकेय जी ने उसको बहुत स्पेशल बना दिया। सो मैं ये समझता हूँ, मैं जानता हूँ, किसी की भी मेमोरी आपकी या मेरी ना तो अच्छी है ना बुरी है, वो कुछ पल ऐसे होते हैं जो इमोशनल होते हैं और वो पल हमें हमेशा याद रहता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पढ़ाई है वो इमोशनल नहीं है, उसको हम फील नहीं कर सकते, राइट। साइन थीटा इस पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्या फील कर सकते हैं? कॉस थीटा मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, कैसा हो सकता है? क्योंकि हम अपनी पढ़ाई को फील नहीं कर सकते, ना तो वो अच्छा लगता ना बुरा लगता, वो कुछ भी नहीं लगता। तो जो चीज़ें कुछ भी नहीं लगती वो हमें याद नहीं रहती, जो चीज़ें कुछ लगती हैं वो हम भूल नहीं सकते। तो क्या करना होगा? अक्सर आपने देखा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते कुछ लेने के लिए और जाते जाते भूल जाते, क्या लेने आते याद नहीं आ, ऐसा क्यों होता है? 5 मिनट पहले मैंने चाबी कहाँ रख दी कुछ याद नहीं आ रहा, वो पेन कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चल रहा, वो किताब कहाँ गुम हो गई अभी तक नहीं मिली, ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही कीमती सामान है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैं इसे खोना दूँ, ये सोच के कुछ चीज़ों को हम इतना संभाल के रख देते हैं कि कहाँ पे संभाल के रखा था वही याद नहीं रहता, तो ऐसा क्यों होता है? कई बार आपने गौर किया, आप रास्ते में जाते हैं, कोई जाना पहचाना आदमी सामने आता है, आपने पहचान लिया, अरे इनको तो पहले भी देखा है, और वो आपसे बातचीत करने लगते हैं, आपका नाम बुला के, आप बातचीत तो करते हैं लेकिन मन ही मन सोचते रहे इनका नाम क्या है, शर्म तो नहीं पूछते, नहीं ये सोचेगा अरे मेरा नाम भी आती इनको तो। सो बातचीत खत्म हो गई और मेंटली हम सोच रहे हैं इसका नाम क्या है, वो आपके घर भी चला गया, आप भी घर चले गए, किसी और दिन कुछ और सोचते हुए अचानक वो नाम एकदम सामने, बाद में वो नाम याद आया, दैट मीन्स द नेम इज नॉट लॉस्ट, वो दिमाग में कहीं ना कहीं है, उस वक्त भी याद नहीं आया। स्पेशली स्टूडेंट्स का ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा होता होगा, एग्जाम में याद कीजिए, पूरे दिन का 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम हम पढ़ाई में लगाते हैं, 6 घंटे स्कूल में लगाते हैं, आप में से कई लोग कोचिंग जाते होंगे 3-4 घंटे लगाते हैं, यहाँ तक एग्जाम शुरू होने के 2 मिनट पहले तक भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार और पढ़ लिया जाए, वो डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार और देख लेते हैं, ये एक्सपेक्टेड आंसर है, इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, क्वेश्चन पेपर खोलते हैं, सवाल पढ़ते हैं, और जैसे ही हम सवाल पढ़ते हैं एकदम से दिमाग में आता है इसका जवाब तो याद ही नहीं आता, बहुत कोशिश करने के बाद भी जवाब याद नहीं आता, हम पेपर सबमिट कर देते हैं, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर चले जाते हैं, और बाहर जाने की कुछ देर बाद वो आंसर एक बार फिर दिमाग में वापिस आ जाता है। बाद में वो आंसर कैसे आ रहा, उस वक्त क्यों नहीं याद आ रहा, बाद में वो आंसर याद आया, दैट मीन्स दैट आंसर इज नॉट लॉस्ट, it is there in the brain only, but the question is why you could not recall the time when it was required. Aaj hum iska investigation karenge, iska investigation karne ke liye kuch games khelenge, aur un games ke madhyam se janne ki koshish karenge hamara dimag kaise kaam karta hai, hum bhoolte kyun hain, kya karenge hum na bhoole. Is game ki main shuruaat karunga, first second third row aapse, that boy, yes okay, aapke baad, हाँ, क्या नाम है आपका? प्रियांशु से गेम शुरू करेंगे, प्रियांशु, और प्रियांशु के रो में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, बारी बारी से आप सबके सबकी बारी आएगी, आप सबको क्या करना है, थर्ड रो ध्यान सुने, आप सबको अपनी अपनी बारी में अपने घर के नंबर का या अपने मोबाइल नंबर का, आपका मोबाइल नहीं था, आपके डैडी के मोबाइल नंबर का आखिरी 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट्स बोलना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो मोबाइल नंबर है 9312286540, तो मेरी बारी में मैं क्या बोल दूंगा, 40। सिमिलरली आपकी बारी में आपके मोबाइल नंबर का या आपके डैडी के नंबर का लास्ट 2 डिजिट जो भी है वो आप बोलेंगे, और जो भी आप बोलेंगे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे नोट करूंगा, आप बोलते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा एक एक करके, देखते हैं ऐसा करने से हमें क्या पता चलता है। ओके, वी कैन स्टार्ट नाउ। आपके मोबाइल नंबर का आखिरी 2 अंक, ठीक है, ये हो गया 9-4। नेक्स्ट 7-1, ओके 7-1। नेक्स्ट 4-2, ओके 4-2। 3-1, ओके 3-1। 9-3, ओके इट इज 9-3। 9-3, दोबारा 9-3, ठीक है, दोबारा से एक बार फिर 9-3। 0-6, 0-6, ओके 0-6। 1-2,
Okay, it is 1, 2. 0, 2. Okay, 0, 2. 6, 2. Okay, 6, 2. 8, 9. Good, 8, 9. 6, 7. Okay, 6, 7. 1, 1. Okay, 37. One. आपने बोला ये 37. 5, 5. Okay, 5, 5. 5, 2. Okay, 5, 2. 8, 2. Okay, आपने बोला 8, 2. 1, 8. Okay, it is 1, 8. 5, 7. अच्छा, आपने बोला ये 5, 7. 0, 3. 0, 3. ओके, 0, 3. 8, 1. ओके, ये है 8, 1. 6, 4. ओके, 6, 4. 6, 4. ओके, दोबारा से आपने बोला 6, 4. 4, 2. आखिरी 4, 2. ठीक है, अब ये स्क्रीन भर चुका है, माइक वापस ले सकते हैं. मेरा सवाल आपसे, ये सारा का सारा स्क्रीन, ये सारे के सारे नंबर्स अगर आपको याद करने पड़ जाएं, तो कितना समय लेंगे आप? हाउ मच टाइम यू थिंक दैट यू विल टेक टू मेमोराइज दिस कंप्लीट स्क्रीन? कोई भी आप, कोई भी टीचर या स्टूडेंट, इसको याद ही करना पड़ जाए तो कितने समय में आप इसे याद कर पाएंगे? जो भी दिमाग में सवाल जवाब आ रहे हैं बता सकते हैं, कोई भी? कितना समय लगेगा इसको याद करने में? 20 मिनट? 20 मिनट होल लाइफ टाइम? लाइफ टाइम आधा घंटा? और कोई? हाँ, कितना समय लगेगा इसको याद करने में? 10 मिनट्स? 10 मिनट? 10 मिनट से कम? हाँ, 15 मिनट. ओके, ठीक है, ठीक है, लगभग 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट. आपको अपने एक्सपीरियंस से पता है, जब भी कभी अपने नंबर रखने की कोशिश की, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, हिस्टोरिकल डेट्स या फिर मैथमेटिकल टेबल्स, हमने उसे बार बार रिवाइज किया, हमने उसको बार बार रिपीट किया, फिर भी आए मौके में ठीक से याद नहीं आया, बिकॉज नंबर्स आर एब्स्ट्रैक्ट, नंबर्स आर मीनिंगलेस. और फिर हमने अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर देखा, अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के टेलीफोन नंबर याद नहीं रहते, खुद की गाड़ी का नंबर प्लेट भूलते रहते. जब भी हम किसी रिश्तेदार को चिट्ठी लिखते हैं, एड्रेस या पिन कोड नंबर हम कंफ्यूज करते हैं. उन सारे एक्सपीरियंसेस को अगर आप गौर करें, तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं दैट इट वुड बी रियली डिफिकल्ट टू मेमोराइज इवन दिस लिस्ट. ये तो बहुत ही लंबा है, मोबाइल नंबर से भी 4-5 नंबर, 4-5 नंबर, राइट? आपको क्या लगता है, ये सारा लिस्ट अगर मुझे याद करना पड़ जाए तो मुझे याद करने में कितना समय लग जाएगा? क्या हो गया? ओके, क्या लगता है आपको? राइट, थैंक यू. ये सारा कुछ अब मुझे ऑलरेडी याद है. क्या सुनना चाहेंगे? ओके, मैं इसको रिकॉल करने की पूरी कोशिश करता हूँ, आप देखिए कि मैं करेक्ट रिकॉल कर पाता हूँ कि नहीं. अगर कहीं पे कोई मिस्टेक होता है तो आप मुझे बीच में नहीं बताएंगे, जब मैं लिस्ट कंप्लीट कर लूँ तब आप मुझे बता सकते हैं कहाँ कहाँ मिस्टेक है, किस तरह से मिस्टेक्स. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा ताकि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो. ओके, सर स्टॉप. ओके, नंबर सर इट इज 9471423193939.
0612 02 62 89 67 11 37555282 1857 03 81 646442. अब जरा सोचिए, ऐसी अगर आपको हिस्ट्री की डेट, ज्योमेट्रिकल मैप, बायोलॉजिकल डायग्राम, लॉन्ग थ्योरी, क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, वो सब भी अगर ऐसे ही पर पढ़ते पढ़ते याद हो जाए तो कैसा रहेगा? इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना ही नहीं कि कितनी जल्दी याद हो सकता है, उससे ज्यादा जरूरी है कि कितनी अच्छी तरह से याद रह सकता है। ये लिस्ट मुझे इतनी अच्छी तरह से याद है कि अगर आप चाहें तो मैं इसको उल्टा भी समझ सकता हूँ। क्या विश्वास करते हैं? देखना चाहिए मतलब ये सब विश्वास करते हैं या देखना चाहेंगे? ओके, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग देखना चाहेंगे, कुछ लोग पीछे मुड़ के देखने कहीं दिख तो नहीं रहा सर। ओके, इस बार मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगा ताकि आपको पूरा विश्वास हो जाए, ना तो मुझे कहीं से दिखाई दे रहा है। सिंस आई एम स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू यू, मुझे कहीं से कुछ सुनाई देगा तो आपको भी सुनाई देगा, राइट? सो मैं इसको रिवर्स में रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए रिवर्स में कुछ ठीक होता है या कहीं पर कुछ गलती भी होती है। ओके, दिस टाइम आई विल बी क्लोज एज वेल एंड आई एम वेरी क्लोज टू यू, राइट? ओके, रिवर्स में द नंबर्स आर 244646 18 ओके 30575 81 282555 731176 9826 202160 okay it is 393913 it is 241749 अब जरूर आप ये चाहें कि ये जानना कि ये मैंने कैसे याद किया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी कुछ अगर मैं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मेमोरी आपसे आ जाती, लेकिन जब आप मुझे नंबर दे रहे थे, जब मैं नंबर लिख रहा था, मैं दिमाग के कुछ मेथड, दिमाग के कुछ प्रिंसिपल यूज कर रहा था। उन मेथड, उन प्रिंसिपल को अगर आप यूज करेंगे तो आपको भी सब कुछ फास्ट याद हो जाएगा। और आज इस हॉल से बाहर जाने से पहले आप सब भी इसी तरह मेरी तरह इतना ही फास्ट सब कुछ याद कर पाएंगे। सो शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लर्निंग? याद करने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोई भी ना बताइए सर। माइंड। माइंड, ओके। और कोई इसके अलावा कोई और एक ऑप्शन? कॉन्सेंट्रेट करना। गुड गुड, माइंड का आंसर आप करेक्ट है, कॉन्सेंट्रेट करना भी करेक्ट है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा। इस वक्त मैं आपके चेहरे पढ़ सकता हूँ, मैं आसानी से बता सकता हूँ कि आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट यू एग्री विद मी, क्या आप मन ही मन कुछ ना कुछ और भी नहीं सोच रहे? हर पल जब हम लिखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर वो सोचना, वो दिमाग का पिक्चर देखना, अगर हम उसको कंट्रोल कर पाए तो फिर आपको आश्चर्य होगा कि जब भी कुछ याद करेंगे वो ऐसे ही याद होगा, बड़ा फास्ट, बिल्कुल फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। देखो फर्स्ट रो, यस, आपके साथ, आपके साथ, यस, आइए आइए स्टेज पे। इनको मैं जानता हूँ पहले से, फिर मैंने थोड़ा सोचा कि ये वही है कि जिनको मैं जानता हूँ, फिर मैंने मुझे लगा कि भैया आइए स्टेज पे। क्या नाम है आपका? मोहित। हाँ मोहित, इनको मैं जानता हूँ काफ़ी समय से, लेकिन मैंने कंफर्म करने के लिए पूछ लिया तो हाँ लगा ये मोहित है, ही इज़ मोहित। मोहित को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। इनका जो दिमाग है वो आइंस्टाइन के दिमाग की तरह, आइंस्टाइन यू नो, वेरी फास्ट, कुछ भी सवाल पूछने से पहले जवाब सामने,
लाइक कंप्यूटर। लेकिन आज मोहित को कुछ समझ नहीं आने वाला। क्यों समझ नहीं आने वाला? क्योंकि मोहित को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर मोहित को कुछ दिखाया और सुनाई नहीं देगा, क्या मोहित को कुछ समझ आएगा? मोहित सोच रहे होंगे, सर ये कैसे करें कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं तो बिल्कुल फर्स्ट में बैठा, मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है दोनों के दोनों स्क्रीन, और बिल्कुल सारी बातें समझ आ रही, सुनाई दे रही। मोहित को ऐसा लग रहा है कि मोहित को सब कुछ दिखाई दे रहा है या सब कुछ सुनाई दे रहा है। असली ये कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और आपको तो पता है कि दिखाई ना दे और सुनाई ना दे तो दिमाग चाहे कितना भी तेज हो कुछ नहीं समझ आने वाला। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे मैं ये कह पा रहा हूँ। जबकि मोहित यहाँ बैठे हुए हैं, वो सोच रहे कि मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन मोहित के दिमाग में भी एक ऐसा स्क्रीन है जैसा स्क्रीन आपने यहाँ पे देखा। उस स्क्रीन में कुछ और ही चल रहा है, मोहित के दिमाग के स्क्रीन में कुछ कैलकुलेशन चल रही है। अरे यार 9:30 शुरू होना था, ये तो 9:30 शुरू होगा, एक घंटा लेट खत्म होगा, जब तक मैं घर पहुँचूंगा शाम के 5 बजे तक, तब तक तो मेरी गर्लफ्रेंड राजीव के साथ भागी जाएगी। मोहित के दिमाग में वो स्लो मोशन वाली पिक्चर है कि कैसे राजीव के साथ उसकी बाइक में मोहित की गर्लफ्रेंड धीरे धीरे स्लो मोशन में भाग रही है। अब जरा सोचिए इस मेंटल पिक्चर के साथ क्या मोहित को यहां पे कुछ समझ आया? नहीं आया। तो मोहित को क्या करना होगा? सबसे पहले उस मेंटल स्क्रीन को स्विच ऑफ करना होगा। अगर मोहित ने सीख लिया वो स्विच ऑफ करना तो सारा कुछ याद करना आसान हो जाएगा। तो उसको कैसे स्विच ऑफ करना है उसके लिए कुछ सीखना होगा। दिमाग के कुछ बटन हमें समझने होंगे। जिस तरह से आपके घर में टीवी है, टीवी के कुछ बटन है, उनको उनकी मदद से आप स्विच ऑन और ऑफ करते हैं। सिमिलरली आपके दिमाग के भी कुछ बटन है, राइट? तो मोहित को क्या करना होगा मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मोहित ने हमारा साथ दिया है आपके। मोहित के लिए देयर इज सम गिफ्ट। मोहित थैंक यू। मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ मोहित की बात नहीं, हम में से हर एक की बात है। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई और मेंटल पिक्चर रहता है। कल जो क्रिकेट मैच हमने देखा था टीवी में वो, या परसों जो पार्टी में जाने वाले हैं उसकी पिक्चर, या फिर कोई बर्थडे में किसी ने इनवाइट किया था तो कौन से कपड़े पहने, वो सारी मेंटल पिक्चर जब दिमाग में रहेंगी तो याद रखिए जिस तरह से यहाँ पे कैमरे हैं, इन कैमरे का सिर्फ एक ही फोकस है। इस वक्त अगर यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सब बाकी जगह रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अगर ये रिकॉर्डिंग दूसरी जगह करना चाहेंगे तो यहाँ वाला नहीं हो सकता। सिमिलरली इन योर ब्रेन देयर इज जस्ट वन कैमरा, उसमें जो भी चीज आप देख रहे हैं उस वक्त ब्रेन उसी को रिकॉर्ड कर रहा है, उस वक्त कुछ और चीज रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो हमें करना क्या होगा? दिमाग का एक स्विच है उसको समझना होगा। जैसे आपके टीवी का स्विच होता है, दिमाग का स्विच कहाँ पे है? लगभग यहाँ पे है, यहाँ पे सेंट्रल प्लेस, यहाँ पे दिमाग का स्विच है। ये स्विच कैसे ऑन करें, कैसे ऑन करें? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, जब भी आपको लगेगा कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, यानी कि कुछ याद ही नहीं हो रहा, तो आपको ये स्विच ऑन करना है। ये कैसे ऑन होगा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए मूवी देखने बैठे हैं, ऐसा इमेजिन कीजिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आ रहा है मूवी में, क्लाइमेक्स आ रहा है, तो आप कैसे बैठते हैं? फर्स्ट बिल्कुल आगे ऐसे करके देखते हुए, या सेकंड बिल्कुल रिलैक्स होकर, पहला या दूसरा? पहला, राइट? तो उस वक्त अगर आप स्क्रीन ना देखें, सारे ऑडियंस को देखेंगे तो पाएंगे सबके सब जितने भी लोग हैं सब ऐसे करके देख रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें करके और चेयर के एच पे बैठे। अब इमेजिन कीजिए उसी मूवी में एक गाना आ रहा है जो कि बहुत बोरिंग गाना है और टीवी में हजारों बार आ चुका है। अब आप सोचिए कि आप सबकी तरफ देखेंगे तो क्या होगा, पहला या दूसरा, किस तरह से बैठेंगे? उस वक्त वो जानबूझ के दूसरी तरह से नहीं बैठे, वो पोस्चर अपने आप हो गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जिस तरह से कोई चीज इंटरेस्टिंग होती है तो आपका पोस्चर आगे की तरफ होता है, बोरिंग होती तो पोस्चर पीछे की तरफ होता है। पोस्चर चेंजेस विद योर इंटरेस्ट, राइट? सिमिलरली अगर आपने पोस्चर डिसाइड किया तो वो चीज इंटरेस्टिंग भी लग सकती है। बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप बैठे, जैसे अभी बैठे आपने, ज्यादातर लोग थोड़ा आगे की तरफ झुके बैठे हुए, दे आर द वन, तो उनके ब्रेन के स्विच ऑन है। धीरे 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 एक समय आएगा कि जब अनजाने में आप रिलैक्स करेंगे, जब आप पीछे की तरफ झुक करते हैं अपने आप को, ब्रेन कनेक्ट्स यू विद द पास्ट मेमोरी बैंक। जब आप पीछे की तरफ झुकते हैं, राइट,
ले डाउन करते हैं तो ब्रेन कनेक्ट्स यू विद द पास्ट मेमोरी बैंक, आपकी जो पुरानी जो घटनाएं हैं, पुरानी यादें हैं, उसमें ब्रेन स्विच को कनेक्ट कर देता है। यानी कि आप पढ़ाई तो अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में, लेकिन आपका ब्रेन पुरानी रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता है। जबकि जब आप आगे की तरफ झुक के कोई काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या टीवी देखते हैं या फिल्म देखते हैं, ब्रेन कनेक्ट्स यू विद द फ्यूचर, जो हो रहा है होने वाला होगा वो। तो जो बच्चे आप देखेंगे कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता, कभी आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो कैसे बैठे होंगे पढ़ाई करने, उनके घर जाके दे ले लाओ, कई लोग तो बिस्तर में लेटे लेटे पढ़ाई करते हैं। वो लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा एम कोई लंबे समय तक पढ़ाई करना नहीं है, थोड़ी देर में चीज़ों को समझ के याद रखना हमेशा के लिए। तो पहला सिंपल रूल, द मोमेंट यू चेंज द पोस्चर, जैसे अभी आप में से ज़्यादातर लोग बैठे हैं, थोड़ा सा आगे रोके तो आप पाएंगे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ये थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी, अपने आपको याद दिला के आएगा, राइट। हमारा आपका कोई गोल एम ये नहीं कि हम दिन भर पढ़ाई करें तो हम अच्छे स्टूडेंट हैं, हमारा गोल ये है कि हम एक बार पढ़ें वो हमेशा याद हो जाए, और जब हमें ज़रूरत पड़े वो हमें हमारे काम आए। ये तो गया पहला नियम, जो आपको ना केवल अपने घर में जाके फॉलो करना है, आपको यहाँ भी फॉलो करना है, दैट द फर्स्ट थिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट, राइट, ताकि आपके दिमाग में मोहित की तरह मेंटल पिक्चर ना हो, तो अगला नियम क्या है। अगला नियम को समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा। अभी स्क्रीन पे गौर से एक वीडियो देखिए, इसके अंदर छुपा